हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद टेस्ट। आज हम बनाएंगे नारियल पाक, इसे मेवा पाक भी कहा जाता है। यह जन्माष्टमी की स्पेशल मिठाई है। यह जन्माष्टमी पर स्पेशल बनाई जाती है। यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी बनाने से पहले एक रिक्वेस्ट, रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसके लिए हमें चाहिए एक बाउल मखाने, दो बाउल चीनी, एक बाउल पानी, एक बाउल नारियल कद्दूकस किया हुआ, आधा बाउल नारियल बारीक कटा हुआ, किशमिश, पिस्ता, काजू कटे हुए, बादाम कटे हुए, इलायची पाउडर, खरबूजे के बीज, देसी घी। एक बाउल नारियल को कद्दूकस कर लें। 7 से 8 बादाम को बारीक काट लें, लंबा लंबा। आधा बाउल नारियल को बारीक काट लें, पतला पतला, लंबा लंबा। काजू को भी काट लें। सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करेंगे। पैन में 1 चम्मच देसी घी डालेंगे और इसमें मखाने डाल देंगे। अब मखानों को क्रिस्पी होने तक हमें रोस्ट करना है। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखें और कंटिन्यू चलाते हुए इन्हें रोस्ट करें। ये देखिए, मखाने हमारे क्रिस्पी हो गए हैं। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इन्हें ठंडा करने के लिए प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम खरबूजे के बीज को रोस्ट करेंगे। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखें और कंटिन्यू चलाते हुए खरबूजे के बीज को भी रोस्ट कर लें। इसे थोड़ा सावधानी से रोस्ट करें क्योंकि यह चटकने लगते हैं और ऊपर आने लगते हैं। रोस्ट होने के बाद ये थोड़ा सा फूल जाते हैं। खरबूजे के बीज भी हमारे रोस्ट हो गए हैं। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे भी निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने इन्हें बाउल में निकाल लिया है। अब हम कद्दूकस किए हुए नारियल को रोस्ट करेंगे। पैन में 1/2 चम्मच देसी घी डालेंगे और कद्दूकस किया हुआ नारियल डालें। यह मैंने सूखा नारियल को कद्दूकस किया है और कंटिन्यू चलाते हुए हम इसे रोस्ट करेंगे। इसे कंटिन्यू चलाते रहे, नहीं तो यह बहुत जल्दी काला हो जाता है। हल्का सा कलर चेंज होने तक इसे रोस्ट करेंगे और निकाल लेंगे। अब इसमें कटे हुए नारियल, काजू और बादाम को रोस्ट करेंगे। दो तीन मिनट तक इन्हें भी रोस्ट कर लें। ड्राई फ्रूट्स भी हमारे रोस्ट हो गए हैं, इन्हें भी प्लेट में निकाल लेंगे। अब जिसमें हमने यह मेवा पाक बनाना है उस प्लेट को देसी घी से ग्रीस कर लें। अब हम मखानों को ग्राइंड कर लेंगे। मखाने हमारे ग्राइंड हो गए हैं, इसे किसी मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसमें कद्दूकस किए हुए नारियल को भी ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड किए हुए नारियल को भी निकाल लें। खरबूजे के बीज डालेंगे और ड्राई फ्रूट्स डालेंगे।
किशमिश डालेंगे और इलायची पाउडर डालेंगे और सभी मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मेवा पाक का मिक्सचर हमारा रेडी है। इसके बाद हम चाशनी बनाएंगे। इसमें से कोई ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। एक बाउल पानी डालेंगे और दो बाउल चीनी डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और एक तार की चाशनी बना लेंगे। ये देखिए पानी में बॉईल आ गया है। यह मेवा पाक मिठाई खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अब हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। इस प्रकार चेक करके हम देख लेंगे। ये देखिए इसमें एक तार बारीक सा बन रहा है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और मटेरियल को चाशनी में मिक्स करेंगे। कंटिन्यू चलाते हुए इसे मिक्स कर दें। अगर हमारा मटेरियल जमने की कंसिस्टेंसी का हो गया है तो हम इसे ग्रीस की हुई प्लेट में डालकर जमा देंगे। अगर थोड़ा लिक्विडी लग रहा है तो गैस की फ्लेम को ऑन कर लेंगे और 2-3 मिनट के लिए इसे गाढ़ा होने तक पका लेंगे। ये देखिए जमने की कंसिस्टेंसी का हो गया है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और ग्रीस की हुई प्लेट में इसे डालेंगे। यह मेवा पाक खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप भी इस जन्माष्टमी पर इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। अब हम इसे सेट होने के लिए रख देंगे। ऊपर से पिस्ते से इसे गार्निश कर देते हैं। पंद्रह से बीस मिनट के बाद जब यह थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब हम इसमें कट लगा देंगे ताकि यह बाद में काटने में इजीली कट जाए। और कट लगाकर हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब यह पूरी तरह ठंडा हो जाएगा तब हम इसे प्लेट में निकालेंगे। ये देखिए ठंडा हो गया है। अब हम इसे काट लेंगे। यह मिठाई खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और कान्हा जी को बहुत ही प्रिय है। आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर बनाएं। अब हम इसे प्लेट में रख लेंगे। ये देखिए मेवा पाक हमारा रेडी है। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाएं, कान्हा जी को भोग लगाएं और खाएं। एंजॉय करें। हमें कमेंट्स
करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। आप हमारी ये रेसिपीज़ भी ट्राई कर सकते हैं।